नोटबंदी के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और आज आईटी विभाग की टीम तमिलनाडु पहुंची, जहां उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव राम मोहन राव के घर छापेमारी की। राव का घर चेन्नई के अन्ना नगर में है। इसके अलावा आयकर विभाग तमिलनाडु में 7 दूसरी जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक छापेमारी में अब तक आयकर विभाग को करीब 100 करोड़ रुपए और 100 किलो सोना बरामद हुआ है। इससे पहले खनन कारोबारी शेखर रेड्डी के यहाँ आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। रेड्डी को मुख्य सचिव का करीबी माना जाता है, ऐसे में छापों को रेड्डी के यहाँ पड़े छापों से जोड़ कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आयकर विभाग की टीमों ने उद्योगपति शेखर रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापे में रेड्डी और उनके सहयोगियों के यहां से 142 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा 127 किलोग्राम से ज्यादा सोना भी मिला था। रेड्डी के घर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिससे उसके और मुख्य सचिव राम मोहन राव के नजदीकी संबंधों के संकेत मिले थे। इसके बाद आयकर विभाग ने अब मुख्य सचिव के यहाँ छापेमारी की है। वैसे ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब राज्य के किसी सबसे बड़े अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा हो। अभी भी आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, ऐसे में आयकर विभाग को रेड में और क्या क्या बरामद होता है ये देखना फिलहाल बाकी होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।